तो गाइस आज हम लोग टेस्ट करेंगे ये कश्मीर विलो बैट वर्सेस ये इंग्लिश विलो बैट। आज हम इन दोनों बैट्स को टेस्ट करेंगे सबसे पहले फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट। मुझे लगता है ये जीतेगा। फिर करेंगे सिक्स हिटिंग चैलेंज। तो देखते हैं क्या ये कश्मीर विलो बैट इस 20,000 के इंग्लिश विलो बैट को हरा पाएगा। तो गाइस हम सब ने अपना क्रिकेट बचपन में कहीं ना कहीं कश्मीर विलो बैट से स्टार्ट किया है। तो आज हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि क्या ये कश्मीर विलो बैट प्रोफेशनल क्रिकेट में यूज हो सकता है या नहीं। अब बात करते हैं इन दोनों बैट्स के डिफरेंस। प्रोफेशनल क्रिकेट बैट्स बनते हैं विलो ट्रीज से जो जनरली कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, और कश्मीर विलो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है ये भारत में कश्मीर के विलो ट्री से बनाया जाता है। और इंग्लिश विलो बैट्स जो कि ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स यूज करते हैं ये बनते हैं यूरोप की विलो ट्री से। अगर बात करें इनके वेट की तो कश्मीर विलो बैट जनरली थोड़े से हैवी होते हैं, वहीं बात करें अगर इंग्लिश विलो बैट्स की तो ये कंपैरेटिवली बहुत लाइट वेट होते हैं। कश्मीर विलो बैट डार्क शेड में होते हैं और इनकी वुड काफी हार्ड होती है तो ये बैट काफी टिकाऊ होते हैं। और वहीं बात करें अगर इंग्लिश विलो बैट्स की तो इनकी वुड शाइनी व्हाइट शेड में होती है, ये वुड बहुत ही सॉफ्ट होती है और इनके टूटने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो गाइस बैट की क्वालिटी चेक करने के लिए हम हमेशा ही उनके ग्रेन्स देखते हैं। ओनली हाई क्वालिटी कश्मीर विलो बैट में काफी विजिबल ग्रेन्स होते हैं, जैसा कि आप इस बैट में देख सकते हैं क्लियर और विजिबल ग्रेन्स। वहीं इंग्लिश विलो बैट्स में काफी क्लियर और विजिबल ग्रेन्स होते हैं, जैसा कि आप इस जैप कंपनी के बैट पे देख सकते हैं काफी क्लियर और विजिबल ग्रेन्स हैं, और ये ग्रेन्स आपको लो क्वालिटी इंग्लिश विलो बैट्स में नहीं मिलते हैं। तो गाइस अब बारी आती है दोनों बैट्स को फास्ट बॉलिंग के सामने ट्राई करने की। सबसे पहले ये कश्मीर विलो बैट करूंगा ट्राई, और इन दोनों बैट्स को सबसे पहले नॉकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें थोड़ा सा कम टाइम मिला बट नॉकिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। अब चेक करते हैं इस बैट का पिंग। ओल्ड बॉल है बट बैट का मिडल काफी अच्छा है। लेग स्टिक प्लीज। थैंक यू। कैसे मानू मैं? ओके। ओ नाइस। ओ जैप बैट सेव मी। यार बॉटम लगा फिर भी काफी अच्छा गया। आई एम हैप्पी विद दिस बैट। गुड बॉल भाई। तो शोएब अख्तर बना हुआ है। दो बीमर डाल दिए। हटाओ इसको बॉलिंग से। हम शॉट बॉय। क्वालिटी बैट है यार। ओ शॉट। इस बैट का मिडिल काफी अच्छा है। ये बॉल यहां लगी थी ना, जर्क आया और काफी अच्छा पेंग है इस बैट का। एब्सोल्युटली अमेजिंग यार, मतलब इस बैट से मैं सरप्राइज हूँ। टॉप क्वालिटी बैट है। एक तो इस बैट का मिडल बहुत ही अच्छा, और जो इसका पिकअप है और बैट हाथ में जिस हिसाब से आता है मुझे लगता है ये इंग्लिश विलो से भी ऊपर जाने वाला है। लॉन्गेस्ट सिक्स चैलेंज में मुझे लगता है ये जीतेगा। तो गाइस अब है मेरे पास ये 20,000 का जैप का इंग्लिश विलो बैट। इस बैट को देख के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप इसके ग्रेन्स देखे यार, मतलब काफी क्लियर और विजिबल ग्रेन्स है। चेक करते हैं इसका पिंग। हो बात ही अलग है। इस बैट ने पहले एक्साइटमेंट जगा दिया है। देखते हैं फास्ट बॉलिंग के सामने कैसा परफॉर्म करता है। ओह शॉट। ओ भाई साहब ये बैट बाप बैट है, मतलब बॉल लगते ही फ्लाई हो रही है। मुझे लगता है जो मैंने बोला था कश्मीर विलो के बारे में सिचुएशन चेंज होने वाली है, इससे लंबे लंबे छक्के जाने वाले हैं भाई। तो गाइस अब हम लोग करने वाले जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है सिक्स हिटिंग चैलेंज। अब भाई ने नेट्स में तो बहुत ज्यादा पेला है, अब देखते हैं यहाँ पे छक्के मार पाता है या नहीं मार पाता है। क्या लगता है कौन सा बैट जीतने वाला है? मुझे लगता है यार जो भी जीते बट ये कश्मीर विलो बैट सरप्राइज करेगा। मेरे को लगता तो है सरप्राइज करेगा बट मैं इंग्लिश विलो बैट के साथ जाना चाहूंगा। तो अभी आपके
सामने जो भी रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो मैं दोनों बैट्स के साथ में दो दो बॉल्स खेलूंगा और देखते हैं कौन सा बैट सबसे लंबा छक्का मारता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इस इंग्लिश विलो बैट के साथ में देखते हैं, दोनों के साथ में दो दो खेलनी है। पहले इंग्लिश विलो से स्टार्ट करते हैं। आजा फर्स्ट बॉल। गाइस मतलब मिडिल भी नहीं आया लेकिन मेरे को लगता है क्या 90 हुआ होगा। 90 यार 90 या 90 से थोड़ा सा ऊपर है। इंग्लिश विलो की तो बात ही अलग थी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। अब आते हैं कश्मीर विलो पे। तो इज्जत की बात है, लंबा छक्का मारना है। ओह साइड स्क्रीन पे, साइड स्क्रीन हमारी 80 मीटर्स के अराउंड है। मैंने बोला ही था कश्मीर विलो सरप्राइज कर सकता है, हालांकि 90 तो नहीं गया बट 80 मीटर्स भी कम नहीं होते यार। गाइज अब लास्ट बॉल है इंग्लिश विलो के साथ में, फर्स्ट 90 मारा था, देखते हैं दूसरा वाला कितना लंबा होता है। इंग्लिश विलो में टाइम तो अच्छा हुआ था, दूसरा वाला 86 कह सकते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कश्मीर विलो 90 को क्रॉस कर पाता है या नहीं कर पाता है। कम ऑन कश्मीर विलो। तो गाइस दूसरा वाला छक्का 70 मीटर ही गया बट बैट ने जैसा मैंने बोला था टफ कंपटीशन दिया है। जैसा कि आपने देख लिया है दोनों ही बैट्स बेस्ट क्वालिटी के हैं, दोनों की प्राइस रेंज में ऑब्वियस डिफरेंस है, ये 3,500 का है और ये 20,000 का। और अगर बात की जाए हमें कौन सा बैट खरीदना चाहिए, तो अगर आप बिगिनर हो या फिर बजट कॉन्स्टेंट हो तो आप कश्मीर विलो बैट के साथ में डेफिनेटली जा सकते हो। और अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो या क्वालिटी क्रिकेट खेलना चाहते हो तो आप ये जैप कंपनी का इंग्लिश विलो बैट भी परचेज कर सकते हो। नारा हमारा एक ही है, हर मैदान फतेह, जय हिंद जय भारत।